हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करेंगे। तो 2C हमने 2C का पार्ट 1 यूट्यूब पर डाला है, तो पार्ट 2 ये हमारे पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स आइए बिना किसी देरी के हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 करते हैं इसमें हम, क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत है नहीं, और फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी इस पेड कोर्स से जोड़ सकते हैं। पेड कोर्स से जुड़ने का मतलब है आपके सभी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, और फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपका डाउट का क्वेश्चन है उसे आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, तो उसकी PDF बनाकर हमारी टीम हमें देगी और उसकी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और प्लस PDF भी उसकी प्रोवाइड कराएंगे जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फीस आपको पता ही है 499 है इसकी, तो ज्यादा फीस है नहीं, इतने का आप बर्गर खा के पचा देते हैं एक घंटे में, गायब आपके 500 रुपए। और इस ये आपके एक घंटे में गायब नहीं हो रहे हैं, इससे क्या है आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। इसे आप इस पैसे को आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर। इन्वेस्ट का मतलब है हम इससे कुछ लर्न कर रहे हैं। पिज्जा खाकर आपने कुछ लर्न किया क्या, या बर्गर खा के आपने कुछ लर्न किया है? नहीं। ठीक है, और मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि मतलब एक महीने में कई कई पिज्जा खा जाते हैं। ठीक है, तो उससे सस्ता है, और इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी साल का मैं आपको करा रही हूँ, A to Z क्वेश्चन करा रही हूँ, प्लस आपको PDF भी दे रही हूँ। ठीक है, और आपके जो भी डाउट हैं वो आपको क्लियर कराए जाएंगे। इससे ज्यादा आपको ज्यादा किसी चीज की जरूरत है नहीं, मेरा ऐसा मानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में करना है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था, सेकेंड पार्ट में यहां पर करा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 3 × 10⁻¹। ये हमें दिया हुआ है, तो हमें इससे क्या समझ आ रहा है, आप देख लें यहां कुछ और तो डिजिट है नहीं, 3/90 लगा दो, ठीक है, क्लियर है यहां तक, 90 लग चुकी है हमारी। अब इसको आपको क्या करना है, लिख देंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में हम 3 0 0 0 0 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यही हमारी वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से हमारा इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है 5.8 × 10⁻¹। ये समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसमें क्या करें, 5.8 पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 × 10⁻¹। क्लियर है यहां तक, क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखना नेक्स्ट, 58/12 हो जाएंगे, तो 12 हो गई, तो अब इसे हम कैसे लिख देंगे, 58 0 0 0 6 7 8 9 10 11 12.0, इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर ले, ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। अगर आप नोट डाउन भी नहीं कर रहे हैं, वैसे आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, और आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर में याद रहेगा, ना कि आपको PDF याद रहेगी। तो पेपर के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एक एक क्वेश्चन को आपको 4-4 बार करके देखना है, और फॉर्मूला की कॉपी मैंने आपको बताई है, 10 से 20 रुपए वाली कॉपी ले लीजिए। चैप्टर वाइज जो भी आइडेंटिटीज दी हुई है चैप्टर में, उन सबको उसमें नोट डाउन करना है, क्योंकि जहां जब मैं आपको बेसिक कराती हूँ तो आइडेंटिटी वगैरह सारी कराती हूँ, तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने जो आपकी फॉर्मूला की नोटबुक है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। ये हमें करना है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में हमें दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट मैंने करा दिया है, सेकंड पॉइंट करते हैं। तो आइए चलते हैं सेकंड का। सेकंड पॉइंट है 0.0000386। ये हमें डिजिट दी हुई है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट भी है, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3, 8, 6। अब देखना 2, 4, 6, 7 थे तो 7, 0। और इसको नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम, 3, 8, 6/10^7 लिख सकते हैं। क्लियर है यहां पर। अब इसको हम क्या करेंगे, 10^7 आ गया, अब इसे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में 3, 8, 6/10^-7 में ऊपर पहुंच गई। अगर हम यहां पर 2 पॉइंट लें तो कितनी हमारी, 8, 6 लें तो कितनी घात कम हो जाएगी, कितनी पावर कम हो जाएगी, 2 पावर कम हो जाएगी, क्योंकि 2 डिजिट के बाद लगाया है। तो क्या आ जाएगा, 10^-5। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। इसी प्रकार से हमारा इसमें थर्ड पॉइंट दिया हुआ है सेम इसी प्रकार से, तो आप इसे करें या मैं कराऊं, ठीक है, तो मैं करा देती हूं। थर्ड पॉइंट है इसी प्रकार इसका 0.0000007, 6, 0 और 7 ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इसे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7/10000007। और नेक्स्ट लाइन में हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7/7/10^7। नेक्स्ट लाइन में हम 7/10^-7। इतना क्लियर है, यहां तक समझ आ गया आपको। तो ये ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको थर्ड क्वेश्चन का करा दिया है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के पर। 0.00000 ये डिजिट हमें दी हुई है, ठीक है। टोटल नंबर ये कितने हैं, 16 है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूं, तो सॉरी 16 नहीं 19 है, तो 10^19। और इसे हम यहां पर ले जाएंगे तो 1, 6 और 10^-19। अब ये यहां पर आपको क्लियर है। अब हमें 1 में पॉइंट में लेके आना है 1.6, तो 1 पावर क्या हो जाएगी इसकी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस के 18 पावर यहां पर बचेगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पॉइंट है ये, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेनी है नहीं आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे ऐसी मैं आप सभी से आशा करती हूँ। और ये थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, थर्ड पॉइंट मैंने आपको करा दिया। फोर्थ पॉइंट पर हम चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया हुआ है इस तरीके से 0.0000127/12/7/8, ठीक है। इस तरीके से डिजिट दी हुई है, तो पहले क्या करेंगे, 12, 7, 8। अब टोटल डिजिट गिनेंगे तो 10^8 जीरो है तो 8 कर देते हम, 12, 7, 8/10^8। अब इसे नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, इसे 12, 7, 8/10^-8। क्लियर है यहां तक, कंप्लीट। नेक्स्ट आपको क्या करना है इसमें, अब हमें 12 पॉइंट लगाना है, 2 जीरो, तो इसमें से क्या हो जाएगी, 2 पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आपको इसे करना है। अगर आप इसमें आपका आंसर जो आ रहा है वो इस प्रकार से है, 1.278, तो यहां से आप क्या होगा, 3 पावर कम होंगी, क्योंकि 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो 3 पावर यहां पर कम हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5। 8 में से 3 गए तो 5। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार से इसका फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में हमें दिया हुआ है 0.0000
07। ठीक है, ये डिजिट दी हुई है तो हमें क्या पता चल रहा है इसमें, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7/100, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 7/10^2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 7/10^-2। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स, तो मुझे पूरा विश्वास है जितने भी हम मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो डाउट के लिए मैंने आपको बताया है, आपको व्हाट्सएप नंबर पर हमें क्या करना है, जो भी आपका डाउट है उस पर टिक करके आप फोटो भेजेंगे, और उसकी जितने भी मेरे पास जितने भी बच्चों के डाउट सेशन डाउट के क्वेश्चंस आएंगे उनके हम पीडीएफ बनवाएंगे अपनी टीम से। तो इसके बाद हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे स्पेसिफिक डाउट की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं हम आगे बढ़ते रहें, आप आगे बढ़ते रहें, आपका साथ चाहिए हमें और आपको हमारा साथ चाहिए, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।